कंट्रीज की तरफ मूव 75 कंट्रीज की तरफ मूव करने का जरिया ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर कंट्री में पहुंच जाए और आप बिजनेस प्लान देना शुरू कर दें। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा माध्यम है और आपको पता है वो है सोशल मीडिया, जिसके बारे में हमारे अपलाइन रेगुलर क्लास लेते हैं। और मैं आपको हैरान हो जाओगे, क्लास बेशक रिपीटेड हो लेकिन जब एक चीज अगेन एंड अगेन रिपीट भी होती है, जैसा कि ऑलरेडी नेटवर्क कंपनीज में बोला जाता है कि अगर आप एक चीज को बार बार करना शुरू कर देते हैं, एक चीज को आप बार बार बोलना और समझना शुरू कर देते हैं, तो जो लोग बहुत टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड इन सेंस हर पर्सन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना आता हो, बेशक वो ग्रेजुएट हो सकता है मास्टर डिग्री हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया को यूज करना उसको आता हो। लेकिन जो ये सेशन है ट्यूसडे का, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्यूसडे के सेशन को आप लोग ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ इसी सेशन की मदद से आप 75 कंट्रीज में आप मूव कर सकते हैं। आप बाकी कोई भी सेशन जो होता है अदर देन ट्यूसडे, उससे आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में उसके बेस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को अगर इंटरनेशनल बनाना है तो ट्यूसडे का सेशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है, जो कि हमारे सेल्स मास्टर मिस्टर अरुण मीना जी लेते हैं। अब मैं ज्यादा समय आपके और उनके बीच में नहीं लेता हुआ एक वार्म वेलकम करता हूँ मिस्टर अरुण मीना जी का। प्लीज कम ऑन द स्टेज अरुण मीना जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। चार पांच दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, सॉरी उसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा काम करके आए हैं। वाराणसी का एजुकेशन सेंटर लाइव हो चुका है, लाइव तो पहले भी था, अब उसका ओपनिंग भी हो गया है दोस्तों। तो सभी का दिल से धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। जितने भी लोग वाराणसी से हैं वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की डिलीवरी फ्री मंगवा सकते हैं या और भी एजुकेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, वेलकम सर। तो थैंक यू सर। तो दोस्तों, ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने कहा सोशल मीडिया के थ्रू हम इंटरनेशनल जा सकते हैं और बहुत से लोग जा भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं गया हो। जो इंटरनेशनल का मतलब है केवल इंडिया वाले ही ऐसा नहीं है कि देखो होता है अदर कंट्री में जा रहे हैं, अदर कंट्री वाले इंडिया में भी इसी माध्यम से ही उन्होंने लोगों को ज्वाइन कराया है। यही माध्यम है। अगर यही माध्यम है तो हम इसको क्यों अच्छे से नहीं करें, क्या कारण है? अगर ये कारण आपको लगता है कि हाँ मैं इंटरनेशनल होना चाहता हूँ, तो कुछ चीजें जरूर हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा आसान तो नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आसान बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आप जानते ही हैं, लैंग्वेज का इशू आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कैसे उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग? ट्रांसलेट कर सकते हम। फेसबुक पे भी होता है, वो मैसेंजर पे भी होता है, मतलब कि तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम कर सकते हैं। मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा। देखिए, जैसे व्हाट्सएप पे भी हर उस पे होता है, तो क्योंकि हम फेसबुक की बात करते हैं, ज़्यादातर फेसबुक के थ्रू ही हम इंटरनेशनल उस पे जाते हैं, तो हम चलते हैं मैसेंजर पे। ये वैसे ऑलरेडी देखो कहते हैं बहुत अच्छा बता चुके हैं, आप लोग कोई भी उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ। स्क्रीन शेयर है सर डॉक्टर साहब? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? यस यस यस, हो रही है सर। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के लिए, मेरा हिंदी वाला नहीं है, फिर भी मैं एक आइडिया आपको दे दूंगा। जैसे मान लेते हैं कोई, मैं जैसे ये यूके के हैं, इन्होंने ठीक है अभी मुझे रिस्पांस नहीं दिया है, हेलो हाउ आर यू हुआ है केवल। यहाँ पे वैसे तो ये मतलब पंजाबी पॉप हुआ है, सिंगर हैं हम लोग। जिसको कहते हैं अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो, तो यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं या तीन बिंदी के पास अगर जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट है। हम यहाँ पे उसको
इंग्लिश टू अदर या हिंदी टू अदर कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम उपयोग कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग का या फिर टाइपिंग का या कुछ भी, आपको देखना है कि ट्रांसलेट आपको कौन सी भाषा से कौन सी भाषा में करना है। आप नॉर्मल भाषा पे आप यहाँ पे लिखोगे, कुछ भी लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, और ट्रांसलेट होने के बाद आप उसको सेंड कर सकते हो। वो जो भेजेंगे उसको भी सेम चेंज कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आपका इंग्लिश में या हिंदी में वो आपका ट्रांसलेट हो पाएगा। मतलब कि आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर अगर आपको आईडी लगानी है, दो तीन तरीके ही हैं उनसे बात करने के। व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, मैसेंजर पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं या मैसेंजर कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो भी है। कॉलिंग में आपको लगता है कि मेरे को परेशानी होगी पहले, तो आप सिंपली है व्हाट्सएप नंबर लें उनसे या मैसेंजर पे इस चीज को फॉलो करें कि हम इस तरह से एक एक चीजों को करेंगे। अगर हम ये कर सकते हैं, आपको ये पता तो चल जाएगा उनके प्रोफाइल देख के कि नेटवर्क से रिलेटेड हैं या नहीं है। आप कैसे देखेंगे उनको नेटवर्क से रिलेटेड हैं या नहीं, हम फेसबुक पे चलते हैं एक बार। जैसे ज्यादातर जो है वो ग्रुप्स में जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने यूके वाला किया। आप इनमें से कोई भी इनकी पोस्ट इस ग्रुप में गए, पोस्ट किसी का देखा या बिजनेस जैसे कोई कर रहे हैं, जैसे कोई चॉकलेट का डालता है, कोई सामान बेचने का करता है, समथिंग समथिंग, आपने यहाँ से उसको देखा और यहीं पे एग्जांपल मान लीजिए ये है एग्जांपल है, या मैं और कोई देखता हूँ, इनको ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किया और इनको मैसेंजर पे लेके चले गए और इनसे चैट करने लग गए, हाय हेलो किया और देख लिया, जैसे आपको पता ना इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेट्स बिल्ड ईच अदर अप, इस तरह से कुछ भी। तो ऐसे ही आप इनसे पहले इंटरेक्ट करें, बात करें, ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लें। इससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इनका क्या है। इनका आपको सुनना पड़ेगा, इनका आपको जानना पड़ेगा, थोड़े दिन दो चार दिन इनके बारे में आपको स्टडी सी करनी पड़ेगी, ओके 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 करना पड़ेगा, वेल 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 एंड गुड, कुछ भी, मतलब कि आपको एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपका वाला इनसे बेटर ऑप्शन है, तो आपने उनको अपने बारे में बताना है कि मैं भी कुछ करता हूँ, मैं भी कुछ करती हूँ, और आपने क्या कभी ये सर्च किया है, मैं भी मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा बेटर है। ये वाला जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, एटमी जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेटर है आपने जो मुझे बताया उससे, क्योंकि ये बिकॉज प्रोडक्ट जो है हमारे वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये प्रूवन है, क्योंकि रिसर्च बाय कैरी और मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉलमार्ग। इस तरह से आप इनसे चैटिंग कीजिए तो आपको पता चल जाएगा, हर कंट्री का, यूके का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे मलेशिया का हो, चाहे जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो, कि जिस कंट्री में आपको लगता है आपका कोई जानकार है। सबसे आसान तरीका क्या है, आपका कोई जानकार हो, सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपका जानकार हो, जो आप जानते हैं कि ये तो है ही है, क्या है, ये तो मेरे अड़ोसी थे या मेरे पड़ोसी थे या मेरी फैमिली है या मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदारी में है या मतलब कुछ भी, उनको तो सबसे पहले आपको हर हाल में टच करना है। उनको प्रोडक्ट एक ही सही, उनको वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो आपको लगता है बेस्ट प्रोडक्ट उस कंट्री का है, वो उनको यूज करवा दो, चाहे अपनी परचेजिंग मतलब कि अपनी आईडी से परचेज करा के करा दो, जरूरी है रजिस्टर्ड करवाओ पहले। ये कुछ काम है जो बहुत सारे लोगों ने कराए हैं और वो ऑटोमेटिक कंज्यूमर से, जिसको कहते हैं, आज डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं।
उनमें से जिसको कहते हैं सुशील जी भी हैं, अगर मैं बोलूं तो सुशील जी के भी जो ब्रदर इन लॉ हैं वो सिंगापुर में थे और वो बिल्कुल भी इस पे कहते हैं ना विश्वास नहीं रखते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे ही होता है, अब वो यूजर तो हैं ही और दूसरों को भी वो प्रोडक्ट दे देते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ले लो बेस्ट है, तो उससे क्या होगा ऑटोमेटिक आपका परचेजिंग शुरू हो जाएगी अदर कंट्री से। और यही काम करता है ऑटोमेटिक कहते हैं रिकमेंडेशन रेफर, ये अगर होने लग गया तो आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी किसी भी एक कंट्री में। तो जिस भी कंट्री में आपके कोई भी रिलेशन या कोई भी जानकार लोग हैं तो कृपया करके बेझिझक खुल के उनको इतना ज्यादा भरोसे के साथ आप एक चीज दीजिए कि आप एक बार प्रोडक्ट को इस्तेमाल जरूर करें। मैं कह रहा हूं, और हमारा प्रोडक्ट का जिसको होता है मनी बैक गारंटी भी है, बाहर के देशों में तो वैसे भी रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, ये हम लोग कर सकते हैं। सबसे जरूरी है अगर हम बाहर की आईडी पे फोकस कर रहे हैं तो इंडिया की भी बात करें तो वही सेम चीजें हैं, आपको उनसे भी मैसेंजर पे या व्हाट्सएप नंबर लेके कॉलिंग करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि हम हमारी कंपनी क्या करती है और इसके प्रोडक्ट क्यों सबसे बेस्ट हैं, ये सारी जानकारी हमको देनी है। पोस्ट हम जो करते हैं फेसबुक पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आज कौन सा पोस्ट किया हमारा, मैं दिखा देता हूँ, मैंने सेंटर वाला किया, जो हमारे सेंटर की ओपनिंग हुई मैंने ये वाला पोस्ट किया। इस तरह से आप कोई भी पोस्ट बनाओ और उसको करो, वहां लिखना है जो आप बोलना चाहते हो, जो आप किसी को या सबको बताना चाहते हो वो आपको लिखना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, या हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में कर लो, जो जैसा आपको अच्छा लगता है, कोई मतलब कहते हैं बेझिझक लिखो, मैं जैसे मर्जी लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश खराब लगती होती होगी इंग्लिश हो लेकिन मैं लिख लेता हूँ, लेकिन हिंदी में भी लिखता हूँ जो मेरे मन में होता है। कहते हैं ना यहाँ पे लिखा ही क्या होता है, अगर हम ऊपर देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कुछ लिखें, राइट समथिंग हेयर, आपके मन में जो भी है वो यहाँ पे लिखें, व्हाट्स योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है वो आप यहाँ पे लिखें। ये अगर आप लिखते हैं तो कुछ नहीं पता, कोई पूछ ले ये क्या लिखा है आपने, और कुछ अलग नया लिखेंगे ना, मतलब कि कुछ छुपा हुआ कहते हैं हम लोग, सरप्राइज वाला, तो उस पे जल्दी से लोग रिस्पॉन्स करते हैं, थोड़ा सा छुपा होना चाहिए। बिल्कुल आपने ओपन कर दिया है ना तो उसको कभी कभी देखो कहते हैं इग्नोर ज्यादा मारते हैं या ज्यादा बड़ा लिखते हैं तो उसको सब लोग पढ़ते नहीं है। हम लोग इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग पे डालते हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ लोग फॉलो भी करते हैं और वो देखते हैं कि क्या डालते हैं, तो हम थोड़ा सा वो नहीं करते हैं, हम डिटेलिंग पे लिखते हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी छोटा मोटा कहते हैं ना चार लाइनें लिखकर जरूर मैसेज करें, ऐसा जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। जैसे देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स योर माइंड, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, उनको समझ में आया कि आगे क्या है, आगे क्या होगा, इसे पूछूं तो सही, इन्होंने क्या लिखा है, क्या बोलना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं। इस तरह का कोई भी पोस्ट छोटा छोटा डेली आप जरूर करें। कि मैं बताता हूं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट किसके हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम लिख दो कि ये कंपनियां कॉलमार्क से भी प्रोडक्ट बनवाती हैं, कॉलमार्क के बारे में जानने के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी आपके दिमाग में कुछ एक ऐसा आइडिया जो दूसरे को क्लिक कर जाए, कुछ अलग सा हो जाए, तो ऐसा आपको जरूर करना है। उसके बाद जिसको कहते हैं, अगर मैं बोलूं मैसेंजर, मैंने बता दिया आपको, रील पे जरूर जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यह थोड़ा वॉइस चल जाएगा, यहाँ पे अगर रील्स पे देखेंगे आप, रील्स पे कितने व्यू अचानक आ जाते हैं पता नहीं चलता। एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं कि किसको किसने कितनी बार देखा। एक रील्स कोई भी आपको फेमस बना सकते है, कोई भी एक रील आपको फेमस बना सकती है क्योंकि वो रील्स को फॉरवर्ड करता है। कौन सी रील्स को, अजाम मॉल वाली 1K+ हो चुकी है, लेकिन अगर मैं ये वाली देखूं
बॉस, मैनेजर और स्टाफ 83.1K इतने व्यू हुए हैं इसके, तो कौन सी चीज, कौन सी रील आपको बिल्कुल इतना फेमस कर देगी कि लोग आपको जानने लग जाएंगे, हो सकता है आपको फॉलो करने लग जाएं, हर बार आपकी चीज को ध्यान में रखते हैं फिर वो कि ये क्या पोस्ट करते हैं, आपकी पोस्ट को बार बार वो देखना पसंद करेंगे फिर वो, और पसंद करेंगे तो एक दिन पूछेंगे ये क्या है, ये आप क्या डालते हो, ये जो है ये क्रीम है या ये जो जिसको कहते हैं कोई कोई भी चीज, मान लो स्पायरुलिना का है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर हेयर का है, तो पूछ सकते हैं वो ये हेयर का है क्या है ये, तो जरूर रेगुलर, लेकिन रेगुलर नहीं करोगे तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं अगर वापस आ जाऊं तो थोड़ा सा रील्स को बना कैसे सकते हो आप, फोटो से रील्स को कैसे बना सकते हो, इस चीज को मैं जरूर बताऊंगा आज, ये थोड़ा सा नया हो जाएगा आप सबके लिए। बहुत सारे लोगों के पास है या नहीं, कई बार कहा है B612, B612 ऐप को जिसको कहते हैं ओपन कर लीजिए आप सब लोग जिसके पास है। सबसे पहले मैं वापस आता हूं, कितनों के पास ये ऐप है, हैंड रेज करने जरा, B612 कितनों के पास है, केवल दो ही लोग हैं, ओनली थ्री, या तो फिर सुन मतलब या तो फिर इस मीटिंग में लोग नहीं है और कहीं खोए हुए हैं, नहीं तो फिर मैं उतने ही मानूंगा, पांच लोगों के पास छह, क्योंकि फिर ऐसा कोई फायदा नहीं है इस मीटिंग में, मतलब कि मुझे लग रहा है कि अच्छा चलिए जिनके पास है ओके ठीक है, अभी पता चल जाएगा, आप लोग प्लीज डाउन कर लें, छह लोगों का पास है अभी पता चल जाएगा, सब सो रहे हैं या जाग रहे हैं, डाउन कर लें प्लीज, जिनके पास नहीं है कृपया करके वो हैंड रेज करें, जिनके पास नहीं है कैलाश जी हैंड डाउन कीजिए, जिनके पास नहीं है वो हैंड रेज कीजिए, जिनके पास B612 ऐप नहीं है वो हैंड रेज कीजिए, ओके ठीक है। अब हम बता रहे हैं आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और बाकी बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मतलब कि वो इस मीटिंग में बने हुए नहीं है, तो कृपया करके मतलब कहते हैं ना फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, वो सुने तो अच्छा है नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं दोस्तों बहुत सारे, मैं आ गया हूँ और स्क्रीन आई थिंक में शेयर हो रही होगी, हाँ यस हो रही है, आवाज नहीं आएगी तो मैं आप हो सकता है टेम्पलेट्स अगर आप देख रहे हैं तो टेम्पलेट्स ठीक है, क्योंकि साउंड मेरा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बिल्कुल वो कीजिएगा हेल्प कीजिएगा कि मेरा वॉइस आएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ वीडियो चल जाता तो वॉइस बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है सर, सही हो रहा है, अभी जैसे टेम्पलेट्स में क्लिक करूंगा हाँ। तो मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे ना साउंड उस समय बताएगा, ओपन रखेगा आप हाँ। अभी तो मेरी वॉइस आ रही होगी करेक्ट, आ रही आ रही है राइट। अब एग्जांपल के लिए हमने जिसको कहते हैं कोई भी वीडियो लिया या कुछ फोटोज ली उसको मैं आगे बताऊंगा, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा अभी मैंने एक ये बनाया था, और यहाँ पे जो भी वीडियो होगा उसको मैं ट्राई कर दूंगा, कोई भी वीडियो को ट्राई कर दूंगा, एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो कोई ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं, कौन सा है ये, प्रोसेसिंग कर दी,
उसमें ना साइज लिखा होता है 12.6 सेकेंड या फिर फोटोज, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अब ये देखिए, ये मैं एग्जांपल लिया है, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। करण पटेल का जो सेमिनार होने वाला है उसका एक छोटा सा 13 सेकंड का वीडियो था, तो मैंने सिंपल इसको फिर प्ले करता हूँ। अभी देखिए ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट। जैसे मॉल्स में वो होता है, स्क्रीन्स होती हैं, ऐसा दिखने लग जाएगा। ये आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, वापिस आ जाते हैं, इसमें ऑप्शन है अलग अलग तरह के, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। तो किसी में ट्राई नाउ में जाएंगे आप हमेशा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 18 क्लिप्स, मतलब कि 18 जिसको कहते हैं फोटो आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने फोटो में ले लेता हूँ अभी, एग्जांपल के लिए कोई सी भी व्हाट्सएप से उठा लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल हम इस सेमिनार की ही फोटो को ही ले लेते हैं, दिखाने के लिए अभी कोई सी फोटो हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट कर दिया। आइडियाज तो जरूर होने चाहिए। अभी देखिए ऑटोमेटिक, और ऊपर केवल सेव करना है, ऊपर केवल आपको सेव करना है। ये एक वीडियो फॉर्म में चला गया, और इसमें म्यूजिक भी रहता है, सब कुछ रहता है, अलग अलग तरह के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी है न्यू में, इस तरह से आप जाइए, ट्राई कीजिए जितना टाइम है। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, कृपया करके बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर इसमें अगर आपको लत लग गई कि मैं फालतू की चीजें में करता हूँ, तो फिर आपकी मर्जी है उसमें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, इसमें आपको उंगली तो खुद करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी इसमें भी एडिटिंग के लिए, अगर मैंने आपको टेक्स्ट बता चुका हूँ मैं आपको कि किसी भी फोटो पे जरूरत है टेक्स्ट लिखना हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, पेंट भी है, बॉडी उसका चेंज करना है, टेम्पलेट हो गया, ऑटो कट हो गया, किसी पिक्चर को जिसको कहते हैं कहीं पे उठा के रखना है, वो मैंने पहले भी बताया था, वो भी सही होता है, कहीं पे उसको लगा सकते हैं। एग्जांपल में फिर भी ऑटो कट दिखा देता हूँ। ऑटो कट आप लोगों को पोस्टर बनाने में या कुछ भी बनाने में एक मदद कर सकता है। मान लेते हैं हम लोग सिंगल फोटो ले लेते हैं, इनकी ले लेते हैं। देखिए सिंपल है, और लाइक क्या, इनकी फोटो ये हो गई अलग, बैकग्राउंड गायब, यहाँ पे गए बैकग्राउंड, यहाँ पे भी बैकग्राउंड होते हैं। हमें लगता है कि इनको किसी बैकग्राउंड में खड़ा करना है, मान लो इस बैकग्राउंड में खड़ा करना है, मतलब यहीं पे खड़ा करना है, यहाँ पे खड़ा कर दिया। आपको लगता है नहीं यहाँ नहीं खड़ा करना, इस तरह का कुछ बनाना है, इस तरह का बनाना है, यहाँ पे बैकग्राउंड्स हैं, कोई भी बैकग्राउंड्स में आप जो होता क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये भी आप इस पिक्चर को इनोवेट कुछ थोड़ा सा नया कर सकते हैं चाहे तो, इस तरह से। ये आपके प्रोडक्ट के फोटो आपके अपने फोटो के साथ कुछ अलग नया कुछ कर सकते हैं आप। मतलब कहते हैं ना, आइडिया जब तक कुछ नया क्रिएटिव नहीं करेंगे ना, तो आपको कोई मतलब ध्यान नहीं देगा आपके पास, यार ये तो कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं आता। आपको अल्टीमेट बनना है अपनी फील्ड में। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो
मैंने आपको बता ही दिया, सेम उसी तरह से आप टेम्पलेट पे जाके वो कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको पूछना होगा तो इसके बारे में हम लोग दोबारा बता देंगे। इफेक्ट बहुत सारे हैं, फोटो पे, वीडियो पे, यहाँ पे अलग अलग तरह के, मतलब अनलिमिटेड हैं। इस एक ऐप को सीख लोगे तो पता नहीं क्या क्या आप बन सकते हो दोस्तों, मतलब कि आपको एक बहुत सारी चीज यहाँ से आ सकती है। इस एक ऐप में अनलिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम किसी से किसी ने बात करनी हो तो हम लोग बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। यस, रेडमी नोट आपने हैंड रेज किया हुआ है, रेडमी नोट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। रेडमी नोट, आई थिंक हाँ, रेडमी नोट बताइए। रेडमी नोट आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ पूछना है आपने? नाम बताइए भैया आपका, आप कौन है? हेलो, कुछ नेटवर्क इशू है सर, कोई बात नहीं। और आप में से अभी तक जो बातें हुई है, अभी तक जो सर ने चीजें आपको बताई, उसमें से कोई भी सवाल है किसी का तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करें और आप लोग पूछ सकते हैं बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पूछिए, ठीक है? अगर किसी अभी का नहीं है। हाँ, ये है सर, मनीष जी आ गए, मनीषा, मनीषा, मनीषा जी आप अनम्यूट करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, मुझे पूछना था सर, कैनवा, कैनवा पे जाके वो वैसे कर सकते ना आपने जैसे दिखाया? हाँ, देखिए कैनवा मैम थोड़ा सा प्रोफेशनल ज्यादा है, ठीक है ना? हाँ, उसपे भी जाके करती हूँ, कैनवा पे जाके बहुत सारा किया मैंने। कैनवा यूज कर सकते हैं, फिल्मोरा यूज कर सकते हैं, और हाँ, आप जिसको कहते हैं काइंड मास्टर यूज कर सकते हैं। ये तो मैं, हाँ, इंस्टाग्राम अलग केस से हो गया, मतलब वो अलग अलग, हाँ, प्रोफेशन, बहुत प्रोफेशनली लोग यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये छोटा है क्योंकि वो एडिटिंग और उसपे सारे लोग अभी नहीं जा सकते हैं, बहुत समय जाता उस पर। तो आपके लिए जो बेस्ट हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको इस्तेमाल करें। हमें लगता है ये इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता, चार उंगली टच करो और अपने आप आपका एक क्रिएटिव वीडियो बन जाता है। यस, राइट। ये अलग सा डाउनलोड करना पड़ेगा क्या आपने जो दिखाया? डाउनलोड करना पड़ेगा मैम। B612 नाम है इसका, 612 B612। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप लोग कीजिए, क्योंकि देखो, क्योंकि आप अपलाइन सब लोग बनोगे और इवन बहुत सारे लोग अपलाइन हैं। ये तो बैनर, पोस्टर या किसी का प्रमोशन करते हैं, हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको भी करना है, क्योंकि एक लिमिट आएगा, मेरा भी होगा, भीष्म जी का भी होगा, हो सकता है डॉक्टर एस कुमार का भी हो। एक लिमिट के बाद हमें भी लगेगा कि हम, देखो कहते हैं, हजारों पोस्टर खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो ना सीखना भी जरूरी है। ये बहुत मोटिवेट करता है। मान लो हम चार लोगों को बनाएंगे या छह लोगों को बनाएंगे, 100 को तो हम भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। टेक्नो कॉमन, हेलो, हाँ, कैनन, कैमोन आप अनम्यूट करिए। टेक्नो कैमोन ऑप्शन दिया है? यस यस, टेक्नो कैमोन आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करें और नाम जरूर लिखें सबसे पहले, जिन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, एसपी चौरसिया जी अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। एसपी चौरसिया जी, नमस्कार सर, मीना सर, सर नमस्कार, नमस्कार, स्पीकर बंद कीजिए। जी, लगा के बात कीजिए सर, स्पीकर पे बात करें, डबल आवाज आ रही है। हाँ जी सर, अभी क्लियर है जी?
अभी क्लियर है सर? हाँ जी सर क्लियर है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे B612 हमने ऐप डाउनलोड है मेरे पास, तो उसके बाद टेम्पलेट पर जाऊंगा, उसके बाद ट्राई नाउ पर जाऊंगा, फिर एक बोले थे प्रोसेसिंग करना है सर। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जी साहब, जी साहब, देखिए इसमें ऑप्शन होते हैं अलग अलग तरह के। जी ठीक है ना जी। यहाँ पे है मान लो टैक्स लिखना होगा तो टी टैक्स हो गया। हाँ, हेयर हाँ। का अदलना बदलना है, कुछ क्रिएटिव करना है। मान लीजिए कोई टैक्स लिखना है, जैसे एग्जांपल मान लो इसके ऊपर टैक्स लिखना है हमने। यहाँ पे कुछ देखो थोड़ा सा कलर चेंज किया गया, ये थोड़ा सा क्रिएटिव कर, इसको क्या कर दिया नेट वर्क, वर्क बता दिया ना, नेट वर्क। यहाँ पे नेट वर्किंग को वर्क बता दिया, वर्क ही तो करना है हम लोगों को। यहाँ पे हमने या नीचे ऑप्शन आते हैं, इनमें से कोई भी चीज हम इसको यहाँ पे नीचे से यूज कर सकते हैं। एक बार ना हर एक चीज को उंगली कीजिए, उसमें कोई हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। मान लीजिए बॉर्डर बॉर्डर किया, आपको लगा कि ये वाला कलर करा तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट कुछ और कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, हम वापस आते हैं वहां पे जी, जिसपे जो चीज कर रहे थे हम। एडिट में गए जी सर, ठीक है एडिट में गए, और यहाँ पे देखो कहते हैं टेम्पलेट्स में गए। अब यहाँ पे ना ऑप्शन है किस तरह की चीज करनी है, तो सबसे पहले तो सारी चीजें हमें उंगली करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, है ना जी सर, कौन सी चीज अलग अलग है, क्योंकि अभी तो मैंने भी सारी नहीं की है। जैसे अब ये बच्चे की है मान लो जी, ट्राई नाउ। अब ये क्या कहता है, 8 क्लिप मतलब कि 8 फोटो सिलेक्ट करो। ओ ठीक है ना, हाँ अब मान लो 8 फोटो मैं ऐसे कर लेता हूँ अभी। ये सिलेक्ट हो गई, नेक्स्ट जी, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कर देगा, और फिर हमको क्या करना है सेव, ऊपर लिखा हुआ आ गया सेव जी। ये देखिए अपना ऑटोमेटिक चल रहा है ना जी सर, बस सेव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सर जी सर। और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो वहां पे लास्ट में आ जाता है एडिट, दोबारा से कर सकते हैं। ये देखिए एडिट, बस आपको लगेगा रिप्लेस करनी है ये वाली फोटो तो रिप्लेस कर दो, एडिट करनी है तो एडिट कर दो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जी बहुत सर सारे ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज आती है। आप इसके यहाँ पे जाकर देखते हैं 2.4 मिलियन इसको क्या मिले हैं, व्यू मिले हैं। ओ इस तरह का इसमें दिखाता है कि कौन से वाले को कितना ज्यादा फेमस हुआ है जी सर, इसका स्टाइल कितना फेमस हुआ है, इसका कितना फेमस हुआ है 549 point K, मतलब इतना ज्यादा फेमस हुआ है ये दिखाता है। तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, कोई भी डिजाइन या कोई भी स्टाइल कह लो, एग्जाम्पल ये वाला स्टाइल, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है साहब, ओके सर, और हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ओके सर, थैंक यू। यस, टेक्नो कैनन का एक्चुअली ऑलरेडी माइक बहुत डिस्टर्ब है तो शायद हम लोग ले नहीं पाएंगे उनको, और आप में से कोई भी बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, अदरवाइज अरुण सर आगे प्रोसीड करें प्लीज। राइट, तो मुझे लगता है अभी और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए जब तक थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपने अपने मन से करेंगे नहीं और अपने लीडर नहीं बनेंगे, या कह लो खुद की सेल्फ कुछ अलग से नहीं करेंगे ना, मतलब मैं कहूँ कि किसी की पोस्ट को आप फॉरवर्ड करेंगे या उसके ही कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे तो आपकी खुद की मतलब कुछ चेंज तो नहीं हो रहा ना, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो उसमें चेंज जरूर करें, जरूर करें। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100% अपनी ही सारी चीजें बनाता हूँ,
थोड़ा बहुत 100% मैं उसमें चेंज करता ही करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। इंस्टाग्राम से मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि हम लोग कैसे उठा के करते हैं। अगर हम शिफ्ट नहीं होंगे ना, अगर हम शिफ्ट नहीं होंगे सोशल मीडिया पे, तो पुरानी वाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नए जो यूथ हैं उनको आप नहीं ला पाएंगे, उनसे आप बिजनेस नहीं करा पाएंगे कि वो जिसको कहते तो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं फील्ड में जाके काम करेंगे, मुश्किल है। क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हम अपना एंजॉय भी करना चाहते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो लोग कि वो बहुत आसानी से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एक आपको बहुत यंग पर्सन की बात बता देता हूँ, जो सेल्स मास्टर केवल सोशल मीडिया की वजह से बने थे, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन राहुल राजेश, उसने सोशल मीडिया से इतना ज्यादा वो किया है कि वो सेल्स मास्टर उसी वजह से ही बने थे। और ऐसे बहुत सारे। और आज एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, जिन लोग सब लोगों को बहुत सारा लगता है, हो सकता है कठिन हो सबके लिए, लेकिन आज का एक बहुत अच्छा न्यूज है, अगर वो सबने देखा हो, वैसे मैंने डाला है, मैं दिखा देता हूँ। मतलब आप जब कुछ ऐसा करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखता हूँ, देखना पड़ेगा कहाँ है। एक मिनट दीजिए, ये फोल्डर मेरे को खुद ही याद नहीं रहता है कौन से फोल्डर में सेव हुआ है वो। मैं ग्रुप में दिखाता हूँ, देखिए ग्रुप में डाला है ना मैंने। ये देखिए, ये 25 वर्ष की प्रीति मिश्रा जी हैं जिन्होंने सेल्स मास्टर का पद हासिल कर लिया है, बन चुकी हैं। और मतलब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस भी पर्सन ने किया, बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने अखबार में निकलवा दिया है, और एक नहीं दो दो अखबार में निकला है। मीडिया वाले इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, टीवी न्यूज अगर आप देख रहे हैं माइक, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। करने की थोड़ी सी इच्छा करो और थोड़ा सा हौसला करो। और इन्होंने कैसे किया होगा, हम इनसे बात तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ ना कुछ माध्यम लगाया होगा, मे भी मुझे लगता है। और ये आजमगढ़ से हैं अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, बस एक प्रयास की जरूरत है, एक पॉजिटिव सोच की जरूरत है। अगर हम ये कर सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो कृपया करके हम कुछ अलग जरूर करें, ये मैं दिखाना चाहता था। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा व्हाट्सएप। ऑलरेडी कई बार हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट्सएप का प्रयोग आज भी पता नहीं कितने लोग डेली बेसिस पे करते हैं या नहीं करते। सुनते तो बहुत बार हैं हमसे, स्टेटस लगाओ स्टेटस लगाओ स्टेटस लगाओ, क्यों लगाओ? उनको लगता है लोगों को ये बताने के लिए कि आप एटॉमी करते हो, दिलो जान से करते हो, और आपके आपके लिए ये वो चीज है जो मतलब कि ना आपके लिए सबसे बड़ी है। क्यों लगाना है? अब देखो, मैंने ये मेरे हिसाब से ये मैंने फोटोज जो लगाई थी दिन में लगाई थी, आई थिंक मैंने तो 103 लोग देख चुके हैं। आधे लोग एटॉमिक होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग दिखाऊंगा इसमें जो एटॉमिक से नहीं है, वो भी देखते हैं। तो कब उनको समझ में आ जाए वो चीज जो आपने डाली हो, वो प्रोडक्ट हो सकता है या कुछ अलग हो सकता है। जो मैं लिखने के लिए आपको फेसबुक पे कह रहा था, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो।
यहाँ पे फोटो जो डाली 100 लोगों ने देख लिया, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, टेक्स्ट मैसेज लिखोगे। दोस्तों मैंने फोटो शेयरिंग बताया, वीडियो शेयरिंग, क्लिप शेयरिंग जरूर बताया, टेक्स्ट मैसेज से आप जो बोलना चाहते हो किसी को, साइलेंटली जिसको कहते हैं, मतलब कि आपको उनको फोन नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्टेटस पे रोज आप अपने एटॉमी के बारे में उनको क्या बोलना चाहते हो, 4 लाइनें, 2 लाइनें, 1 लाइन आप रोज लिखो, रोज लिखो। आप लिख सकते हो वर्क टू होम, वर्ल्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, कॉन्टेक्ट मी, समथिंग समथिंग, अर्निंग डेली 1321 से 80,000 रुपीज, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन रेगुलर 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 रेगुलर, रोज रोज रोज। अगर आप रोज नहीं करेंगे तो मुश्किल है। और यहाँ पे भी क्या आता है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, इससे कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, टेक्स्ट का कलर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टी से टेक्स्ट का ये चेंज होगा, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज होगा, आप स्माइली वाला भी कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इस तरह से आप इसका प्रयोग जरूर करके देखो। कुछ नहीं पता दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता कौन कब आपको ये पूछ ले, भाई रोज क्यों बोलते हो या क्या लिखते हो, ये है क्या, सच बता रहा हूँ। और जब भी आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हैं, जब भी आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हैं जो आपको नहीं जानता, आपको लगता है कि किसी नए को मैंने भेजा है, आप अपना नाम लिखें और अपने बारे में लिखें और उसको लिखें कि मेरा नंबर कृपया करके सेव कर लें, मेरा नंबर सेव जरूर करें, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करता हूँ, ऐसे करके सेव करने के लिए उनको जरूर बोलें, क्योंकि फिर ब्रॉडकास्ट में भी आप उनको रख सकते हो। ब्रॉडकास्ट मैसेज तभी जाएगा जब आप जिसको कहते हैं आपका आपका नंबर उनके पास सेव होगा। बनेगा कैसे, वैसे मैं बता चुका हूँ कई बार, अगर आपको दिख रहा हो न्यू ग्रुप, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप केवल वो बनाए जिनका टीम बना हुआ है, वो अपना ग्रुप बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट वो बनाए जिनके अड़ोसी पड़ोसी, फैमिली, दोस्त यार जो भी हैं ऑफिस के, उनका अलग अलग करके आप ब्रॉडकास्ट बनाएं। एक मैसेज जिसको कहते हैं, एक बारी में 256 लोगों तक जा सकता है। तो ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए सिंपल न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करें, जिन जिन को जोड़ना है उनको यहाँ पे जो पूरा लिस्ट आएगा उनको जिसको तक क्लिक कर दें, और उसके बाद यहाँ जो टिक मार्क आ रहा है ओके कर दें। एग्जांपल के लिए मान लो मैं केवल अगर ऐसे ही 4 लोगों का नाम कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए 5 लोगों का बन गया। अब मैं यहाँ पे हेलो लिख दूंगा तो 5ों के पास चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम रेगुलर करने हैं, और कोई भी ये ना सोचे कि ये पॉसिबल नहीं है। कब आपके पास ऐसा कुछ अवसर मिल जाएगा किसी भी कारण आपको नहीं पता, कब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाएगी। तो थैंक यू, आपके जो सवाल हैं वो हम ले सकते हैं। ओवर टू यू सर। डॉक्टर एस कुमार, अगर आप सुन पा रहे हैं सर। यस सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अभी टाइम है, 5 मिनट और कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं आप कहते हैं तो मैं दोबारा से इंस्टाग्राम बता देता हूँ। 9 मिनट है सर हमारे पास, 9 मिनट आप और बता सकते हैं सर। हम वीडियो डाउनलोड बता देते हैं, इंस्टाग्राम थोड़ा सा वो हो जाएगा। यस, डाउनलोड के लिए
जो भी वीडियो हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो आते कहाँ से हैं, सर्च कीजिए सब कुछ मिल जाते हैं। डाउनलोड कैसे होते हैं, जो भी फेसबुक के वीडियोस होते हैं या फिर इंस्टाग्राम के वीडियोस होते हैं या फिर यूट्यूब को छोड़कर, उनका लिंक जिसको कहते हैं आपको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे कि ऑलरेडी अभी आप देखिए ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये फोटो डाउनलोड की थी। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसके बारे में एक मिनट रोकूंगा सर, ये ऑल डाउनलोडर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है क्या? यस, एक बार बैक करिए सर फिर से। जी बिल्कुल, बैक कर देता हूँ मैं। ये जहाँ डाउनलोड कर रखा है वो स्क्रीन में दिखाइए सर। ओके, मैं तो बंद कर देता हूँ मैं इसको, और ऑल वीडियो डाउनलोडर IRCTC के नीचे ये ओपन कर रहा हूं मैं अब। यस ये है, अब आप देखेंगे अगर मैं जैसे बैक कर रहा था तो देखिए ये मैंने कहां से करा है, ऊपर उसका सोर्स आ रहा है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर मैं यहां पे फिनिश पे दिखाऊं यहां पे सारी चीजें ये दिखाएगा जो मैंने डाउनलोड की है। मैं ये करता हूं, आप भी ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा डाउनलोड करके मॉडिफाई जरूर करता हूं, चेंजेस करता हूं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अलग कंट्री का भी इसमें कुछ लिखा होता है, जैसे सिंगापुर में है, सिंगापुर होता है तो ओके क्योंकि इंग्लिश में होता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंडिया कर देता हूँ। तो ये आप कुछ कर सकते हैं, आपके मतलब इच्छा पे निर्भर करता है। देखिए जितने भी रिजल्ट आते हैं, मैं जैसे उन्होंने देखो अपना मार्का डाल रखा है किसी ने, तो आप भी डाल सकते हैं ताकि कोई फॉरवर्ड करे तो उसके पास ये वाली फोटो जाए ही जाए, तो वो अपने आपका नंबर या आपका कुछ वो उसमें जाए। अभी मैंने इसको नहीं किया, जब मैं करूँगा तो मैं इसको रिमूव करूँगा, बट ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज पे लिखा कि इंडिया का तो है नहीं, रिजल्ट के हिसाब से आप दे सकते हो। तो हम इसका प्रयोग वीडियो डाउनलोडर के लिए या फिर फोटोज को भी डाउनलोड करने के लिए, अब एग्जांपल के लिए मैटर भी होता है। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं दोस्तों, इससे आप कर सकते हैं। जैसे हैंड वॉश है, अब देखिए हैंड वॉश के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है इंग्लिश में नहीं है ये, इसको सिंपल उंगली दबा के रखिए, नीचे तक ड्रैग कीजिए जहाँ तक आपको लगता है कमेंट तक नहीं जाना है, कॉपी कीजिए, और वहाँ पे ट्रांसलेट भी आ रहा था आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेट गूगल। तो आप जिसको कहते हैं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो वही चीज आप उसको फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या जहां पे भी आप डालना चाहते हैं, या व्हाट्सएप के स्टेटस पे, या फिर इस वीडियो के साथ कहां पे रील पे भी डाल सकते हैं। तो ये जरूर करना है क्योंकि उसके बारे में जानकारी भी तो देनी है ना। तो ये हमें लगता है ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये वीडियो है और सिंपल ये बता देता हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ कि कैसे डाउनलोड होगा कोई चीज। मान लेते हैं जैसे देखिए अब मैं आपको सीमा गुप्ता जी यहाँ हैं, ये फोटो डाली लेकिन मैंने क्या लिख दिया इसमें, मिसेस इंडिया 2018 ECL मनीष शर्मा एंड टॉप लीडर्स। मैंने इसको क्रिएट किया, मैम ने इसको जिसको कहते हैं स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया और उन्होंने अपने इस पे लगाया। तो यहाँ पे इस तरह का अच्छी बात है, उसको आपने आपको जो चीज अच्छी लगे वो ले लेनी है, चाहे वो अदर की हो, किसी की भी हो जरूर करना है। लेकिन जिसको कहते हैं आपको अपना भी कुछ उसमें आपको कर लेना चाहिए। तो मान लेते हैं ये वाली हमको डाउनलोड करनी है, तो तीन बिंदी जो है, तीन बिंदी पे क्लिक किया,
नीचे सबसे नीचे देखेंगे कॉपी लिंक, लिंक कॉपी हो गया, इस पे यहाँ पे उंगली दबाई पेस्ट आ गया, पेस्ट लिख दिया और गो, नीचे लिखा होता है गो, मैम ने प्राइवेट कर रखा है लगता है, तो ये जहाँ प्राइवेट होगा वो नहीं होगा, मैम ने प्राइवेट कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब प्राइवेट होगा तो वो नहीं होगा, जिनका नॉर्मल होगा उनका हो जाएगा। अब मैं देख लेते हैं इसको, उस घर को देख लेते हैं, देखिए इसमें भी लिंक नहीं आ रहा, तो जो प्राइवेट कर देते हैं वो नहीं होता, नहीं होता है, इनको अगर करना हो ना जो ऐसे ही हो तो सिंपल इसको ऐसे करो, दबा के रखो, भाई क्यों नहीं हो रही, सॉरी छोड़ देता हूँ अभी, में कोई टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये वीडियो ले लेते हैं, ये मैडम भी वैसे प्राइवेट बहुत रखती हैं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं कि इनके पास बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, मैंने ये देखा, ट्राई कर लेते हैं, प्राइवेट तो नहीं है, देखिए प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, सिंपल डाउनलोड, अभी डाउनलोड हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए डाउनलोड हो गया, क्लियर। ऐसे ही इंस्टा पे भी वहां से भी आप कॉपी लिंक कीजिए, पेस्ट कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो ओवर टू यू सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आप सबको पता है टाइम लिमिटेशन होती है हमारे मीटिंग की, तो अब आप में से कोई अगेन बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारे अपलाइन सेल्स मास्टर मिस्टर विषम चौहान जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। विषम सर प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अरुण जी के द्वारा दी गई, मैं जहां तक समझता हूँ आप सबको ये जो इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपना एक ब्रांड आप ही बना सकते हैं यदि आप अपलाइन के भरोसे रहेंगे, तो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं सीख पाएंगे आप, कभी भी वो सारी चीजें अपने लिए नहीं कर पाएंगे और अपनी टीम के लिए नहीं कर पाएंगे। देखिए सारी चीजों को हमें समझना होता है, सीखना होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए समझते हैं सीखते हैं, आप अपनी टीम के सैनिक नहीं होते हैं, आप अपनी टीम के कप्तान होते हैं, कैप्टन होते हैं, और जब आपको सारी चीजें आती हैं तो आप पूरी टीम को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, पूरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं शुरुआत में, फिर डुप्लीकेट सिखा सकते हैं। तो ये सब दिखाने के लिए और केवल एक सेशन हो गया, और सेशन होने के बाद में फिर हमने बंद कर दिया, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, कितने भी क्वेश्चंस आपको आए यदि यहाँ पे आप पूछ नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो अरुण मीना जी का आप सबके पास कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसको उनको कॉन्टेक्ट करके आप प्रैक्टिकल सीख सकते हैं उसको, और फिर अपना पोस्टर बनाए, अपनी वीडियो बनाए। क्रिएटिविटी सबसे बड़ी बात है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और उसी लीडर को लोग पसंद करते हैं जो अपनी टीम में क्रिएटिविटी सिखाता है। तो ये सारा जो ट्यूसडे का सेशन रखा गया है केवल इसलिए रखा गया है, हो सकता है कि रिपीटेशन हो चीजें, हो सकता है कि आपको लगे यार पिछली बार भी तो यही बताया गया था, लेकिन इसलिए बताया जा रहा है, पहली बात तो अपने नए लोगों को आप प्लग कर सकते हैं, दूसरी बात कहीं आपको कोई चीज रह गई है सीखने में तो उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और फिर टीम में उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। सीखने को मिली और नो डाउट मतलब जितनी बार भी देखो ऐसा होता है कि 100% रिजल्ट तो कभी नहीं होता है, लेकिन यस हम लोग कहा करते थे स्टेज से कि यदि पूरी स्टेडियम के अंदर यदि 1% भी आज कुछ सीख करके अपना डिसीजन ले लेता है और वो पिन ब्रेक करता रहता है, बिजनेस को बड़ा करता है, तो उसके साथ में कितने लोगों की लाइफ चेंज होती है,
वो पता नहीं होता है कि कितना लाइफ कितने लोगों की लाइफ कन्वर्ट होगी। तो थैंक यू सो मच अगेन एक यू नो वंडरफुल सेशन लेने के लिए, बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और आप में से कोई भी बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें प्लीज और बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई बात है आपके मन में? थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं कुमार सर। राइट सर। अपलाइन जैसे अगर मान लीजिए मैं भी यही सोचता, मेरे को भी विकास पाठक या नीतीश मीना बना के देंगे, मैं भी ये सोच लूं कि सारी चीजें वो मेरे को बना के दें तो कैसे चलेगा, कितनी बार बना के दे सकते थे वो मुझे। तो एक टाइम आएगा आपके लिए भी, अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो ये परेशानी आएगी, आएगी 100% आएगी। और आप अगर सच में ऐसी चीजें सीखना, मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा, आज भी मैं इसमें सीखता हूँ। कोई भी चीज मेरे को लगती है तो किसी ना किसी चीज को सीखने के लिए कुछ ना कुछ, चाहे यूट्यूब मेरे को देखना पड़े या उंगली करके सीखना पड़े, कुछ भी करके सीखता हूँ। मैं भी सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। यस। और नवाब जी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नवाब जी दो ऑप्शन है, एक तो मैंने एक पहले भी कई बार बताया है रिमूव वाला, अगर आपको शायद याद हो तो MEITU MEITU वाला, उससे हम रिमूव कर सकते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पे आता है एडिट, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके, मान लेते हैं कोई टेक्स्ट वाला ले लूं मैं। ये देखिए मैंने एडिट ही किया था। एग्जांपल के लिए देखो, कहते हैं यहाँ पे ये अदर कंट्री था, मैंने इसको इंडिया किया, फ्लैग भी लगाया मैंने, लगाया इरेजर, इस पे क्लिक करना है। साइज है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा साइज जरूरी है, नहीं तो वो थोड़ा सा भाग जाता है। ट्राई, अभी अभी हम इसको बैक कर देंगे। जैसे हमें लगता है भाई इंडिया वाले को पहले इसको बड़ा कर लो, इंडिया वाला हटाना है और इसको ऐसे करके, या आपको लगता है ये ए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ड्रॉ करके ऐसे करके इसको मिटा देना है, या फिर पूरा मिटा देना, ऐसे मिटा देना है, सेव कर देना है। और दूसरा लिखना है तो यहीं से भी लिख सकते हो या फिर वहां से लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है B612 से, B612 से जाएंगे तो एडिट। नवाब आप अनम्यूट कर सकते हो नवाब भाई। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जो बैकग्राउंड पे जो लोगो होता है ना उसका, वो कैसे एडिट होंगे? इसी से होगा सर। हेलो, इसी से होगा सर। ये तो माइटू है ना, पिक्चर की आप देखेंगे ना, पिक्चर के बैकग्राउंड में नाम और मोबाइल नंबर होता है सर, वो उसको ना वाटरमार्क कहते हैं, ठीक है ना? वो भी ऐसे ही एडिट होगा, वाटरमार्क कहते हैं उसको। जैसे एग्जांपल के लिए ना, जैसे लाइट कलर से लिखा हुआ है ऊपर वाला, देखेंगे नेटवर्किंग लाइट कलर से लिखा हुआ है, ऐसे ही उसको आपको बड़ा करना है और बहुत इरेजर से धीरे धीरे देखो होते हैं उसको इरेज करना है, बड़ी मेहनत लगती है उसमें, इसलिए वो वाटरमार्क होते हैं। और गूगल पे आप जैसे हम लोग करते हैं तो आप देखते हो उनका पिक्चर्स का साइज बहुत छोटा होता है डिजाइन का, और उसमें वाटर मार्किंग होती है कि आपको वो परचेज करनी पड़े, आपको वो डिजाइन पसंद आए तो आप परचेज करें उनसे। जैसे अगर मैं आपको गूगल पे कोई सी देखता हूँ, कौन सी कुछ टाइप करते हैं, बहुत सारे जिसको होते हैं ना अपना लोग वो लगा देते हैं पिक्चर, जैसे आपने बोला ना, तो उसको कई बार क्या, मैं सर ये पूछ रहा हूँ सर, जो कई बार क्या होता है, फोटो मेरा है
और उसके बैकग्राउंड में नाम और मोबाइल नंबर होता है। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो उसका फोटो भी एडिट हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो है, क्या क्या ऑप्शन होता है उसको कि हम बैकग्राउंड को केवल एडिट कर पाए, पिक्चर को या जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसको एडिट ना कर पाए? नहीं, जो जो बैकग्राउंड में है ना उसमें क्या है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके लिए कोरल ड्रॉ होता है और वो जिसको कहते हैं वो उससे होता है बेसिकली। लेकिन उसको हम अपने लिए ना मतलब पार्टली उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम सोचे ना बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कैसे आसान, मतलब यहाँ पे टेम्परेरी होगा, ये जो एप्स है ना इनसे टेम्परेरी होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक 2612 से आपको बताता हूँ, वो होता है सर या तो वो फोटोशॉप होना चाहिए या फिर जिसको कहते हैं कोरल ड्रॉ होना चाहिए, मतलब कि जो उसके मेन ऐप होते हैं। ओके, कोई बात नहीं सर, मैं ट्राई कर लूंगा उसे सर। राइट राइट, ठीक है, ओके सर, ठीक है ना सर। ओके यस यस, थैंक यू नवाब जी, थैंक यू वेरी मच। और आप में से कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करें, अदरवाइज और सर से कोई बात करना चाहते हैं तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। ओके तो ठीक है, मुझे लगता है कि सबके डाउट्स क्लियर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा पूनम चौहान जी हमारे साथ हैं, लास्ट नोट के साथ हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। वेलकम पूनम जी। थैंक यू सो मच विषम सर से थोड़ी सी दूरियां बढ़ा ले। हाँ जी, बढ़ा ली दूरियां। थैंक यू सो मच सर, और हमेशा ही बहुत ही बढ़िया रहता है। अरुण सर को मैं आज के सेशन के लिए भी थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐप हर किसी के मोबाइल में है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें उसका यूज ही नहीं पता होता। जैसे ये 2612 जो ऐप बताई, हमें से बहुत सारे लोगों के मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन हमें क्या है उसका यूज नहीं पता। और कई बार क्या होता है कि यूज पता है लेकिन फिर भी हम उसे यूज नहीं करते। लेकिन आज का जो सेशन था उसमें सर ने बहुत ही, जैसे हर सेशन में बताते हैं, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। और सही बात है कि हम सिर्फ दूसरों की वीडियो पे लाइक करते ना रह जाएं, या फिर उनको फॉलो करते ना रह जाएं, या फिर उनकी जो क्या कहते हैं पोस्ट है अपने पेज पे या अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं हम, जब तो लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई ये सामने वाला पर्सन जिसका पोस्ट इन्होंने शेयर करा है, क्यों ना हम सीधा ही उनसे कॉन्टेक्ट कर ले। कई बार ये भी हो जाता है बहुत बार। yes. तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा कुछ अपनी क्रिएटिविटी करूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया एक बार कि मेरा भी एक फेसबुक पेज है, क्रिएट हेल्थ एंड वेल्थ विद पूनम चौहान। तो उस पेज पे भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मतलब अपनी तरफ से मतलब चीजें है ना वही डालूं, और वही अपने खुद के अलग से थोड़े हैशटैग डालने की कोशिश करती हूँ जैसा कि सर हमेशा बताते हैं। तो नो डाउट ये ट्यूसडे वाला जो सेशन है अरुण सर जो लेते हैं हमेशा ही यूजफुल होता है हम सब लोगों के लिए, और जो भी नए पर्सन है, क्योंकि ये सेशन तो जितनी बार रिपीट होंगे हम सबके लिए और ज्यादा सीखने का मौका हमको मिलेगा, और जाहिर सी बात है नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच अरुण सर, और सही कह रहे हैं आप कि अभी भी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फिजिकल मीटिंग कर सके। आई होप आने वाले टाइम में ऐसा होगा, लेकिन जो भी लोग अब एटमी में अभी इंडिया में जहां तक भी पहुंचे हैं उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, या फिर हम और बिजनेसेस भी देखें या फिर और चीजें भी देखें, तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सभी सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होना, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, और नो डाउट कि उसमें ये सेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। यस, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। और सर अब आप परमिशन दें और हम लोग सेशन को एंड करें सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सभी को, और हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद सभी। थैंक यू सर, थैंक यू।